लेकिन खबर राजस्थान से, जहां पर चुरू में बीजेपी पार्षद की गिरफ्तारी से गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने पर ही पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने अपनी मांगों के लिए धरने पर बैठे पार्षद को धारा 144 के उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार किया था और इसके बाद बड़ी तादाद में लोग थाने के बाहर जमा हो गए और प्रदर्शन करने लगे। भीड़ को देखते ही वहां बड़ी तादाद में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया, लेकिन दावा किया गया कि इस दौरान भीड़ की ओर से पुलिस वालों पर पथराव भी किया गया और इसके बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर लाठियां भी बरसानी शुरू कर दी। लाठीचार्ज के बाद भीड़ को वहां से खदेड़ दिया गया। हालांकि बताया ये जा रहा है कि कुछ घंटे बाद ही एक बार फिर से भीड़ ने थाने को घेर लिया और जमकर पथराव शुरू कर दिया। वहीं पुलिस ने हंगामा करने वाले कई लोगों पर मामला भी दर्ज किया है और हालात काबू होने का भी अब पुलिस ने दावा किया। 3 व्यक्तियों को हमने सात्य भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है और ये मुकदमा नंबर जो 52/19 धारा 188 IPC में विदेशर में दर्ज हुआ है, इसका अनुसंधान जारी है। इस अनुसंधान के तहत मौके पर जो टेंट और जो इन्होंने रास्ता रोक के अवरोध कर रखा था उसमें टेंट और टेबल कुर्सी लगा रखी थी।